नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीके ऑटोमोबाइल व्लॉग। तो आज मैं आपको वूफर्स के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये पायनियर का 1211 D4 वूफर है और ये पायनियर का TSW3004 SPL मॉडल है। तो मैं आज कंपेरिजन करूँगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है और किन लोगों को ये वाला वूफर लगाना चाहिए और किन लोगों को ये वाला वूफर लगाना चाहिए। मैं आपको ये चीज़ें आपको बताऊंगा और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैग्नेट साइज़ देख लेते हैं। मैग्नेट साइज अगर मैं देख के ही समझ में आ रहा है कि इसका इसके कंपेरिजन में तो छोटा है मैग्नेट साइज, इसका मैग्नेट साइज बड़ा है और वेट में भी वो जस्ट इसका डबल है। मतलब अगर ये 7 किलो है तो कम से कम 12-13 किलो के ऊपर ही होगा। तो इसमें भी ड्यूअल वॉइस कॉइल है, आप देख पा रहे होंगे इधर और इधर दोनों तरफ इसका ड्यूअल वॉइस कॉइल है। और ये हमारा SQ वूफर है, SQ मतलब साउंड क्वालिटी। ये हमारा SPL वूफर है, मतलब साउंड प्रेशर लेवल। सो थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। थोड़ा सा मैं इसको आपको ऑलरेडी मैंने इसका एक वूफर का ओवरव्यू छोटा सा बनाया था। सो इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। 3000 वाट इसकी मैक्स है और 4 ओम्स है और इसमें ड्यूअल वॉइस कॉइल है जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये यहाँ पर भी इसका दिया हुआ है टर्मिनल, यहाँ पर भी इसका टर्मिनल दिया हुआ है। काफ़ी वेट है इसका, ये आप देख पा रहे हैं। सो ये पायनियर का प्रीमियर सीरीज है। अभी ये वूफर बंद हो चुका है। 3004 SPL इसका मॉडल नंबर है, हम देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और ये वाला जो वूफर है ये मेड इन मेक्सिको है। सो इसकी आप देख सकते हैं जो जो रबर दी गई है इसकी काफ़ी हार्ड है अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो, और उसका जो एक्सर्जन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उससे। तो प्राइस में बहुत डिफरेंस है। ये हमारा प्रीमियर सीरीज का वूफर है तो इसका जो प्राइस है वो आपका जब ये आता था तो 18 से 19 हज़ार रुपये का ये वूफर था नया जब आता था। और ये जो वूफर है ये आपको पता ही है 7000 इसकी MRP है और 5.5 से 6 हज़ार के बीच में आपको ये मिल जाएगा। बट ये अभी आपको मिल रहा थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इसका बंद कर चुका है। ये 10 साल पुराना वूफर है। सो किन भाइयों को इसको लगाना चाहिए और किन भाइयों को इसको वो मैं बता देता हूँ। जिन भाइयों का टेस्ट कुछ ऐसा है कि मुझे अंदर गाड़ी में बैठ करके एक अच्छी क्वालिटी का पंच मिले, एक सूदिंग साउंड मिले, वहाँ बाहर भी वो आए आवाज़ बट उतनी ना है, अंदर उनको सेटिस्फाई होना है, बहुत प्रॉपर क्वालिटी बेस चाहिए। मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, क्वालिटी चीज़ अगर आपको कुछ चाहिए बूफर में बेस में तो आप इस बूफर के साथ जाओ 1211 D4। ये मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है। हाँ, अगर आपको इससे ऊपर उठना है, ऊपर उठना है मतलब लेवल अप होना है और आपको अब लोगों को सुनाना है तो बहुत सारे अभी यूथ का यही रिक्वायरमेंट होता है कि भैया मुझे गाड़ी तो ठीक है, बजरी है ठीक है, कैसी भी बजे, मुझे बाहर तक आवाज़ आनी चाहिए। तो अगर मेरी गाड़ी 100 मीटर 200 मीटर से अगर दूर से आ रही है, हाँ ये मेरा इंडिविजुअल ये इसका नाम है, तो सबको पता चलना चाहिए कि हाँ इसकी गाड़ी आ रही है, ऐसा रिक्वायरमेंट हमारे पास आता है। तो ऐसे रिक्वायरमेंट के लिए हम उसको SPL ही रिकमेंड करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इससे इसका पावर ज़्यादा होता है। अब इससे और इसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि इसकी एनक्लोजर अलग बनेगी, इसकी एक नॉर्मल एनक्लोजर में भी ये प्ले कर जाएगा लेकिन ये नॉर्मल एनक्लोजर में प्ले नहीं करेगा। इसके लिए आपको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी बहुत सारी चीज़ें हैं, एम्पलीफायर भी वैसा होना चाहिए, प्लेयर भी वैसा होना चाहिए, प्लेयर का आउटपुट भी वैसा होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, एन नंबर ऑफ थिंग्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा तब जाके इसकी असली परफॉर्मेंस आपको देखने कर मिलेगी। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है। जो एंट्री लेवल सब वूफर्स बोलते हैं वो पायनियर 1211 को मैं बोल सकता हूँ, एंट्री लेवल से थोड़ा ऊपर ही है। जो JBL के जो 1200 1300 1100 आते हैं, सोनी के जो 1800 वाट आते हैं उसको मैं एंट्री लेवल बोल सकता हूँ। ये सोनी और JBL से ये वाला जो मॉडल है पायनियर का 1211 ये थोड़ा ऊपर है क्योंकि ये DVC सब वूफर है और मुझे लगता है कि उन दोनों से ये थोड़ा ऊपर ही है परफॉर्मेंस। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, मैं कंपेरिजन करके भी दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ लगे सही और आप लोग इस हिसाब से फिर
आगे ये चीज़ परचेज करो, क्योंकि ये होते बहुत महंगे महंगे है ना। मैं भी इसके पीछे बहुत पैसा खर्चा किया हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी पैसा बर्बाद हो। जो आपका टेस्ट हो उसके हिसाब से आप बुफर लो, कोई बुफर अच्छा खराब नहीं होता, सब बुफर अच्छे होते हैं। बस आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपका कैसा टेस्ट है, आप कैसा सुनना पसंद करते हो, उसके हिसाब से आपको ब्रांड चूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब रही बात इसकी, तो मैंने जैसे बताया इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और अगर ये लग जाए और ये अपने अगर असली परफॉर्मेंस दिखा दे, ये एक बूफर 1000 वॉट RMS का है। 1000 वॉट RMS मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। 1000 वॉट RMS मतलब एक गाड़ी को हिला दे, बहुत है 1000 वॉट RMS। अगर इसको प्रॉपर आप इसको वैसा एम्पलीफायर से आप बजा रहे हो, प्रॉपर क्लीन पावर मिल रही है, एनक्लोजर वैसा बना हुआ है, और जैसे मैंने आपको बताया म्यूजिक प्लेयर वायर सब का खेल होता है, इवन आपके RC लीड का भी खेल होता है। तो म्यूज़िक सिर्फ ऐसा ही नहीं हो जाता, बहुत सारे तामझाम है, इसलिए इसमें नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे से जितना बनता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सो दैट आप लोगों को वो हेल्प हो जाए। सो वीडियो अच्छी लगे तो, नए सब्सक्राइबर है तो प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और मुझे आगे लेके जाए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आता रहूँ, और ऐसे ही आप लोग के लिए नॉलेजेबल वीडियोज़ आपसे शेयर करता रहूँ। सो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को एंड करते हैं।